चंबल, कान, गंभीर आदि में हुए जल स्तर में वृद्धि के कारण आवासीय क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित है। रेस्क्यू टीमों द्वारा लगातार 48 घंटे रेस्क्यू कार्यों का संपादन किया गया। टीम के त्वरित कार्यवाही एवं कुशल कार्यवाही के कारण लगभग 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 300 लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बचाने वाली जिला होमगार्ड टीम की कर्तव्य निष्ठा और जज्बे की इंदौर कलेक्टर ने सराहना की है। उन्होंने 2,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर टीम को सम्मानित किया है। दरअसल सितंबर माह में इंदौर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बारिश के कारण कई लोग बाढ़ में फंस गए थे। इस दौरान सूचना मिलते ही जिला होमगार्ड, SDERF और सिविल डिफेंस की टीमों ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम 48 घंटे में ग्राम कलारिया, सांवेर सहित अन्य इलाकों से करीब 300 लोगों को सुरक्षित बचाने में सफल रही। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की सजगता और संवेदनशीलता का उदाहरण भी देखने को मिला। दरअसल बचाव कार्यों में जुटे होमगार्ड जवानों को तहसील सांवेर के पानी से घिरे ग्राम गवला में गर्भवती महिला के फंसे होने की सूचना मिली। जवान मेडिकल टीम को लेकर सांवेर पहुंचे और महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई। हमारा संकल्प, कर्तव्य पथ पर सदैव डटे रहे हम, जन सेवा के लिए समर्पित है हम।